महानौम में आपका स्वागत है। आज हमारे हीरोज पिज्जा सजाएंगे। देखते हैं किसके पिज्जा का स्वाद सबसे अच्छा होगा या मजेदार होने वाला है। आइए देखें दोस्तों। तो हमारे ट्रीट्स कहाँ हैं? मेनू लाने में इतना समय क्यों लगता है? बस बहुत हुआ, मुझे बहुत भूख लगी है। आखिरकार इतना समय क्यों लग गया? मैं तो भूख के मारे पागली हो गई थी। प्लीज मेरे लिए स्वादिष्ट पेपरोनी पिज्जा ले आइए। वो अच्छा होता है लेकिन मुझे कुछ अलग सा चाहिए, तो मेरे लिए मीठा पिज्जा ले आओ। ऐसा लगता है कि इसमें चॉकलेट है और वो मुझे बहुत पसंद है। रुको, मुझे भी ये पिज्जा चाहिए। रुको, ओह लगता है वो वापस आ गया है हमारे ऑर्डर के साथ। आखिरकार मैं खा सकती हूँ और मैं भी। देखने में मेरा पेपरोनी पिज्जा उतना बुरा नहीं है। आशा है कि इसका स्वाद अच्छा होगा। क्या मैं तुम्हारे चॉकलेट पिज्जा चख सकती हूँ? चखना है? नहीं, मैं ये खुद खाऊंगी, तुम अपना खाओ। उफ, ठीक है फिर, मैं भी अपना पिज्जा तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी। और यह वैसे बहुत स्वादिष्ट है। चलो ठीक है, मेरे पास एक पिज्जा है जिसका स्वाद तुम्हारे वाले से बहुत बेहतर है। पेपरोनी तो सभी खाते हैं लेकिन चॉकलेट पिज्जा मिलना मुश्किल है, तो मैं भाग्यशाली हूँ। ठीक है, डिंग मारना बंद करो। मुझे पहले से पता है कि मेरी किस्मत खराब है। हटाओ यह बेकार पिज्जा यहाँ से। क्या तुम कम से कम मुझे एक टुकड़ा दे सकती हो? नहीं, तो मैं इसे खुद ले लूंगी। तुम्हें लगता है मैं इसे नहीं ले सकती? मैं ले सकती हूँ, वो मेरा है, वापस दो। नहीं, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। यह तुमने क्या किया? अब मैं इसे नहीं खा सकती। यह सही हुआ, तुम्हें इसे अपनी दोस्त के साथ शेयर करना चाहिए था। तुम दोनों कितना लड़ते हो। चलो अब इस लड़ाई का हल एक चुनौती ही है, उसमें सबके लिए पिज्जा होगा। रॉक पेपर सीजर्स खेलकर देखते हैं कि कौन शुरू करेगा। हुर्रे, मैं जीत गई। मुझे बस कुछ स्वादिष्ट चाहिए। अरे नहीं, वसाबी तो बहुत तीखा होता है और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं। हाँ, तो मुझे स्वादिष्ट चीज मिलेगी, लेकिन यह क्या होगा? हुर्रे, सॉसेस! मुझे पेपरोनी पिज्जा बहुत पसंद है। अफसोस की बात है कि तुम्हें तीखा वसाबी पिज्जा खाना होगा। अगर इस हरे वसाबी को पिज्जा पर थोड़ा सा लगा दूं तो कुछ खराब तो नहीं होगा? लेकिन तुम्हें बहुत सारा लगाना होगा, इतना। ये क्या किया? मैं इसे कैसे खाऊंगी? अब मेरा पिज्जा बहुत तीखा हो जाएगा। मुझे आशा है कि अचानक पता चले कि यह वसाबी नहीं बल्कि मीठा क्रीम है। अरे नहीं, यह वसाबी है और वो भी बहुत तीखा। यह क्या किया तुमने? मेरे सिर पर से बाल उड़ा दिए। ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मुझे पता है कि आग को कैसे बुझा सकते हैं। तुम्हारा पिज्जा इसमें मदद करेगा। आग बुझ गई। अपने सबसे अच्छी दोस्त लीला का धन्यवाद करो। अब पेपरोनी को पिज्जा पर डालने का समय आ गया है। सॉसेस के साथ पिज्जा से ये ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं है। बुरा है कि जेनी इसे नहीं खा सकती, उसे केवल वसाबी मिली। कितना स्वादिष्ट है, मजा आ गया। लीला ने पेपरोनी का एक बड़ा टुकड़ा छोड़ दिया है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, मैंने इसे तुरंत ढूंढ लिया और खा भी लिया। अच्छा खा लो, वैसे भी एक टुकड़ा मेरे पेपरोनी के ढेर के सामने कुछ भी नहीं है। मेरा पेट तो भर गया लेकिन तुम्हारा बिल्कुल नहीं, तो मैं यहाँ ज्यादा लकी हूँ। तुम कितनी खराब हो। मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे कोई मीठा ट्रीट मिले। वाह, नीले स्ट्रॉबेरीज! मेरे मुंह में पानी आ गया। इन लाजवाब बेरीज से बेहतर क्या हो सकता है? चॉकलेट या च्युइंगम, जो निश्चित रूप से मुझे मिलने वाला है, तुम देखना। क्या? प्याज? छी, अब मेरे मुंह से बदबू आएगी। और क्या तुम जानती हो किस चीज से बदबू नहीं आएगी? मेरे स्ट्रॉबेरी से, क्योंकि वे स्वादिष्ट और सिर्फ स्वादिष्ट है। जरा देखो वो पिज्जा पर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसका स्वाद तो और भी कमाल का होगा। यह खाने का समय आ गया है। स्वादिष्ट! मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्ट्रॉबेरी पिज्जा इतना स्वादिष्ट हो सकता है। मुझे भी दो थोड़ा सा। नहीं, तुम अपना खाओ। मुझे अब प्याज खाने होंगे, यह सोचकर भी मैं डर रही हूँ। मैं तो रो ही दूंगी। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं रो रही हूँ। जेन, रो मत, तुम यह तोहफा लो, मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया है। अच्छा, इसमें क्या है? प्याज? सच में? यह तो बहुत
बहुत गलत है और मुझे लगा कि हम दोस्त हैं, लेकिन अब पता चल गया कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो। हंस लो, कोई भी मुश्किल काम मुझे मजबूत बनाता है। सामान्य तौर पर प्याज बहुत अच्छे भी होते हैं, तो अब मैं दिखाऊंगी कि स्वस्थ रहने का क्या मतलब है। कैसा लगा? स्वस्थ है ना, पौष्टिक है ना जेन? क्या यह तुम्हारे लिए स्वादिष्ट है? नहीं, यह बहुत ही गंदा है। छी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने शिष्टाचार कभी नहीं सीखे हैं? यह अच्छा नहीं है और मुझे यह पसंद है, खासकर क्योंकि तुम्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब मेरी यह नई शक्ति तुम्हारे बेरिस को मुरझा देगी। यह किस लिए किया और कैसे? अब मेरा स्वादिष्ट पिज्जा नहीं बचा। तुम इसी के लायक हो और अब मैं साधारण च्युइंगम की मदद से आसानी से गंध से छुटकारा पा रही हूँ। अब मैं अपने मुँह से ताजी सांस छोड़ रही हूँ। प्याज का एक निशान भी नहीं बचा है, लेकिन अब मेरे पिज्जा से बदबू आ रही है। स्ट्रॉबेरी भी अपना स्वाद खो चुकी है। अब ये सिर्फ सड़े हुए बेरीज हैं। उफ। चलो देखते हैं कि इस दौर में मेरे और जेन का क्या इंतजार कर रहा है। क्या? अंडे नहीं, खास तौर पर एक मुर्गी के साथ। मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। कितनी प्यारी है, मुझे भी वो चाहिए। लेकिन तुम्हें अंडे मिल गए हैं और मुझे एक स्वादिष्ट विशाल अनानास मिला है, और मैं जानती हूँ कि इसके साथ क्या करना है। सारे छिलके जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें हटाना होगा। और अब इसे रिंग्स में काटकर पिज्जा पर सजाना है। इसका स्वाद बहुत बढ़िया होगा और ये बहुत सुंदर भी है। कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि सच में काफी अच्छा है, स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे ये पिज्जा चखने का बहुत मन कर रहा है। रुको, मैंने ये हैट विशेष रूप से तुम्हारे लिए बचाया है, पहनो, ये तुम्हें जच रहा है। धन्यवाद लालची। मैं लालची नहीं हूँ, मैं बस बहुत भूखी हूँ, इसलिए मैं अपना खुद का पिज्जा खाना चाहती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो रुक ही नहीं सकती, मुझे भी खाने दो ना, प्लीज मुझे दो। बू! अरे तुम मुझे क्यों डरा रही हो? मैंने तुम्हारी वजह से अपना पिज्जा गिरा दिया। ये मजेदार था। डराना बंद करो और मुझे इसे शांति से खाने दो। ऐसा लगता है कि मुझे इस मुर्गी के साथ काम करना होगा। देखते हैं मुझे क्या देती है। वाह, इतने सारे अंडे! मुझे लगा था कि ज्यादा से ज्यादा केवल एक अंडा होगा, पर यह अच्छा है। छिलके के साथ अंडा उतना डरावना भी नहीं है, इसे आसानी से पिज्जा के ऊपर सजाया जा सकता है। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ, अगर इन अंडों को तोड़ दिया जाए तो ये और भी मजेदार हो जाएगा। ऐसे, यह लो। तुमने इसे फिर से खराब कर दिया। लेकिन अब मेरे लिए देखना दिलचस्प होगा कि तुम इसे कैसे खाती हो। वैसे यह शुरू करने का समय है, मैं इंतजार करके थक गई हूँ। छी, कितना गंदा है। वैसे मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। कच्चे अंडे पिज्जा के स्वाद को बर्बाद कर रही है, लेकिन अगर अंडों को पका लिया जाए तो ये बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। ये सही नहीं है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि इस बार अंडे से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ होगा। क्या? बिल्ली का खाना? क्या मैं एक जानवर की तरह दिखती हूँ? शायद। हंसने की कोई बात नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि इस बार मुझे क्या स्वादिष्ट ट्रीट मिलेगा। वाह, रेनबो गमी रिबन्स। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतना स्वादिष्ट ट्रीट मिलेगा। मैं किस बात का इंतजार कर रही हूँ? रिबन्स को पिज्जा पर सजाने की बारी आ गई है, ताकि मैं इसे जल्द से जल्द खा सकूँ। मुझे आशा है कि जेन को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं एक रिबन ले लूँ तो। नहीं, मेरे गमी को अकेला छोड़ दो, अपने बिल्ली का खाना खाओ, जब तक मैं अपने स्वादिष्ट रिबन को खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट है, बस कमाल का। मैंने अपने जीवन में कभी कुछ इससे बेहतर नहीं खाया है। गमी का स्वाद जादुई लगता है। बहुत बढ़िया। लीला, किसका इंतजार कर रही हो? खाना शुरू करो। हाँ, समय आ गया है, लेकिन वो बहुत बुरा है। अगर मुझे पता चलेगा कि मेरी बिल्ली किसी तरह का कचरा खा रही है तो मुझे बहुत निराशा होगी। यह
असहनीय रूप से बदबू दे रहा है। हाँ, उसकी महक उतनी अच्छी नहीं है, शायद उसका स्वाद बुरा ना हो। इसका स्वाद और भी खराब है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पता है कि जैन की गमीज में कैसे ले सकती हूँ। मुझे पता है कि बिल्लियों से वह डरती है, मुझे बिल्ली बनने की जरूरत है। बिल्ली, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बार हमें क्या मिलेगा? पहले व्हील को स्पिन करते हैं, फिर पता चलेगा। वाह, व्हिप्ड क्रीम! तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मुझे यही मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? शेविंग फोम! क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी दाढ़ी मूछ है? नहीं, तुम्हें मेरी क्रीम की तरह यह फोम खाने की जरूरत है। मुझे प्रतीक्षा करने का कोई कारण नहीं दिख रहा है, मैं वास्तव में इस स्वादिष्ट को खाना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट लग रहा है, कॉफी में, चाय में, केक पर और अब पिज्जा पर क्रीम से बेहतर कुछ नहीं होता है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे इसे जल्द से जल्द खाना है। कितना अच्छा है, पूरी दुनिया में व्हिप क्रीम से बेहतर कुछ नहीं है। वह मुँह में घुल जाती है और यह बहुत मीठी भी है, बहुत स्वादिष्ट। मैं बहुत खुश हूँ। देखो, अब मेरे पास मूछें हैं। चूंकि तुम्हारे पास मूछ है, इसका मतलब तुम्हें फोम की जरूरत है। शायद अगर मैं कम फोम लूँ तो यह उतना बुरा नहीं होगा। नहीं, यह बिल्कुल घिनौना है, ऐसी गंदी चीज को पिज्जा में डालना। मेरे पास एक आइडिया है। पिज्जा पर इतना सारा क्रीम कहाँ से आ गया? यह अजीब है, मुझे लगा था कि मैंने बहुत पहले ही खा लिया है। खैर, क्या फर्क पड़ता है, क्रीम बहुत स्वादिष्ट होता है। रुको, यह क्रीम की तरह नहीं लग रहा है, यह शेविंग फोम है। लीला, तुमने यह किया? कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? अब मुझे यह तभी पता चलेगा जब मैं अपना पिज्जा खाऊंगी। बस इतना ही है? बहुत अच्छा, मुझे शेविंग फोम खाने की अब जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। अरे, ये सही नहीं है, मुझे लगता है मैंने तुमसे ज्यादा शेविंग फोम खा लिया है। ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या खा रही हो। दौर में भाग्यशाली होंगी, मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए। मशरूम? नहीं, मैं मशरूम बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें उन्हें खाना होगा। और मुझे क्या मिलेगा? केले। मैं बंदर नहीं हूँ, लेकिन मैं केले को मना नहीं करूँगी। वे निश्चित रूप से पिज्जा के स्वाद को और भी अच्छा और मीठा बना देंगे। अपने केले को सावधानी से साफ करो, छिलके मुझ पर गिर रहे हैं। मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, मैं इन केले को जल्दी खाना चाहती हूँ और इन पिज्जा को भी। कितना स्वादिष्ट है, बस उंगलियाँ चाटने लायक। तुम्हें मुझे जलाने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे पिज्जा को चुरा लूंगी ऐसे। वाह, केला ने मेरे पिज्जा को चोर से बचाने में मदद की है, कितना अच्छा फल है। यह सही नहीं है, बेकार केला, बेकार छिलका। तो तुम अपना पिज्जा खाओ और मैं अपना खाती हूँ। वैसे यह मशरूम बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। देखो, मशरूम पिज्जा वास्तव में उतना बुरा नहीं है, मुझे पसंद है। मीठा नहीं, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती, मशरूम सही में बहुत स्वादिष्ट है। कीड़ा, मुझे बचाओ। अरे नहीं, हमें यहाँ कीड़े की कोई जरूरत नहीं है, मैंने लगभग उसे खा लिया था। छी, नॉम को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे और भी दिलचस्प वीडियोस को मिस ना करें। हमारे साथ बने रहें।